इंसान बाप ही है ये तो मानते हैं ये। आइए देखते हैं मलारत। ये मलिक साहब, ये जो तस्वीर है तालिबान के अंदर आने की, एक तरफ पीओके के आंदोलन की, वहां पर लोग खड़े हो गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल इस वक्त खड़ी हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो, और 26 मिनट आप लोगों ने लिए तो ब्राय मेरे पास सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा, बात सुन लीजिएगा। बोल बोल भाई। पहली तो बात ये कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। जब आप जिस G20 की बात कर रहे हैं उसमें खालिस्तान की तहरीक भी सामने हमने देखी, और हमने बड़े धड़ल्ले से देखा कि किस तरह खालिस्तान के सिख भाई जो हैं वो सारे एहतजाज कर रहे थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर पाकिस्तान की एक सेव है, किसी का बाप भी इस पे कब्जा नहीं कर सकता ना हम करने देंगे। चलिए आपने माना तो कि बाप ही है हिंदुस्तान। नहीं नहीं, हिंदुस्तान बाप ही है ये तो मानते हैं ये। मैं उस स्तर पर उतरना नहीं चाहती हूँ, हमारी भाषा उस तरह की है नहीं मलिक साहब, हमारी भाषा उस स्तर की है नहीं, तो हम उस स्तर पर उतरेंगे भी नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप पिता बाप वाला रिश्ता तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद हो गया। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, आज पाकिस्तान के साथ लागू हो रहा है। उसने पिछले 70 सालों में जो किया है उसका आज वो हर जाना भर रहा है। एक तरफ पीओके में हंगामा तो दूसरी ओर अफगानिस्तान का हमला। खैर वहाँ जो भी हो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।